नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोटावेरिन टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, ड्रोटावेरिन टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ड्रोटावेरिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ड्रोटावेरिन टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पथरी का दर्द होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए ड्रोटावेरिन टैबलेट का उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोटावेरिन टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। ड्रोटावेरिन टैबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। आमतौर पर 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को डॉक्टर ड्रोटावेरिन 20 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 6 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को डॉक्टर ड्रोटावेरिन 40 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर ड्रोटावेरिन 40 mg से लेकर ड्रोटावेरिन 80 mg टैबलेट को दिन में 3 बार लेने की सलाह दे सकते हैं। ड्रोटावेरिन टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ड्रोटावेरिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोटावेरिन टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में ड्रोटावेरिन टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ % व्यक्तियों में ड्रोटावेरिन टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना और मुंह में सूखापन होना आदि साइड इफेक्ट्स ड्रोटावेरिन टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को ड्रोटावेरिन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को ड्रोटावेरिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं ड्रोटावेरिन टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए ड्रोटावेरिन टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ड्रोटावेरिन टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ड्रोटावेरिन टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ड्रोटावेरिन टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।